हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप सभी को बताएंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ जो वर्ब आता है वो फाइनाइट होता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, इसके बारे में बताएंगे। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल वर्ब विद मॉडल हेल्पिंग वर्ब आर नॉन फाइनाइट वर्ब। इट मीन्स मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ जितनी भी क्रियाएं आती हैं वो सभी हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो कैसे होते हैं हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए हम इसको एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। और जो मेरे मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनकी संख्या 13 है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, आर टू, नीड, डेयर, मस्ट। ये टोटल जो है इनकी संख्या 13 की है, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा प्रयोग किया जाता है, और जो वर्ब आती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे सी कैन राइट ए पोएम, सी कैन राइट ए पोएम, वह एक कविता लिख सकती है। इसमें राइट हमारी क्रिया है, राइट हमारी क्रिया है जो कि नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट इसलिए है अगर हम सी के स्थान पर, चूंकि सी हमारा सिंगुलर है, अगर हम सी के स्थान पर कोई प्लूरल लिख दें, जैसे बी हमने लिख दिया, और इसके साथ हम कैन का प्रयोग करें, वी कैन राइट अ पोएम, हम एक कविता लिख सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं किसी के स्थान पर वी करने से जो हमारी क्रिया है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। क्योंकि फाइनाइट वर्ब हम उसे कहते हैं अगर कर्ता और टेंस के अनुसार जो क्रिया आती है उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आया हुआ है वो अपने कर्ता और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। यहाँ पे कर्ता को बदलने से या कैन के स्थान पे कुड लगा देने से, मस्ट लगा देने से कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हमारा है दे विल गो टू आगरा, वो आगरा जाएंगे। इसमें गो जो क्रिया आई हुई है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखें, दे हैव गॉन टू आगरा, तो यहां पर गॉन हमारा फाइनाइट वर्ब है। तीसरे वर्ब में गो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। और जो अगला एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे गन हमारा जो है फाइनाइट वर्ब है, इसलिए अगर हम यहाँ पर है के स्थान पर आर लगा दें, है के स्थान पे आर लगा दें, तो फिर हमें यहाँ पे गन को भी बदलना होगा, हमें यहाँ पर गोइंग लिखना होगा। टेंस के बदल देने से क्रिया भी बदल गई, और जब टेंस के बदल देने से क्रिया बदल जाएगी तो वो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है। लेकिन मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब में अगर हम विल के स्थान पर कैन लगा दें तभी क्रिया हमारी वैसे ही रहेगी, इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, इसलिए हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। अगला एग्जांपल, रमेश यूज टू प्ले हियर
इस सेंटेंस में प्ले हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन दूसरा एग्जांपल अगर हम ऐसे ही लिखें, रमेश हैज प्लेड हियर, अगला एग्जाम्पल हमारा रमेश हैज प्लेड हियर, इस सेंटेंस में प्लेड हमारा एक फाइनाइट वर्ब हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेड आया हुआ है क्रिया की थर्ड फॉर्म है, जो अपने टेंस के अकॉर्डिंग आया हुआ है, टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा फाइनाइट वर्ब हुआ। अगर हम हैज को हटा करके यहाँ पर हम इज लिख दें तो हमें क्रिया में भी परिवर्तन करना होगा, तो हमको यहाँ पर प्लेट के स्थान पर प्लेइंग लिखना होगा, इसलिए हमारा जो है एक फाइनाइट वर्ब हुआ, लेकिन मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई भी क्रिया आएगी वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और सब क्रिया वो हमारी जो है नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। अगला एग्जाम्पल आई मस्ट गो देयर, मुझे अवश्य वहां जाना चाहिए। मस्ट हमारा एक मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, इसलिए गो हमारा जो है नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। अगर हम यहाँ पर मस्ट के स्थान पर हम शैल लगा दें कि आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, फिर भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, तब भी हम इसको हम कहेंगे कि गो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। या हम आई के स्थान पर दे लिख दें और शैल के स्थान पर कैन लिख दें, तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि गो हमारा जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। आप देख रहे हैं कि मस्ट के साथ भी गो आया, सेल के साथ भी गो आया, कैन के साथ भी गो आ रहा है, कर्ता अगर हमारा आई है तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, अगर आई को हटा करके हम दे कर दें तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और जब क्रिया पर कर्ता को या टेंस में परिवर्तन करने पे कोई परिवर्तन ना करना पड़े तो वह क्रिया हमारा नॉन फाइनाइट कहलाता है। अगला एग्जांपल, शी शुड डू दिस वर्क, उसे इस काम को करना चाहिए। यहाँ पे डू हमारी एक क्रिया है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, डूमिस होता है करना, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन आए, यहाँ पर कोई भी नाउन आए, इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी, या यहाँ पर शुड है, इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर लिख दें, शुड के स्थान पे कुड लिख दें, कुड लिख दें, माइट लिख दें, तभी इस क्रिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी, तो ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे सी शुड है, इसके स्थान पर हम लिख दें ही कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता है, तो कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आया। यहां पर लिख दें रमेश, रमेश कुड डू दिस वर्क, रमेश इस काम को कर सकता था, तभी क्रिया में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो इसको हमेशा आप लोग ध्यान में रखें कि यहाँ पे जो भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमारे लिखे गए हैं, जिनकी संख्या 13 है, इनके साथ हमेशा
क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और इनको हमेशा हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हाय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।